जब केपी आया है हमारे पास, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं, हमारी ही कौम है, हमारी मदद के लिए आई है, ठीक है। तो उनका यहाँ पर ख्याल रखना फिर इस्लामाबाद के ऊपर एक फर्ज बन जाता है। हम कोई फेवर नहीं कर रहे, हम कोई खिदमत नहीं कर रहे, ये हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। कि जैसे हम केपी की मेहमान नवाजी को बहुत कहते हैं कि जी बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, तो फिर इस्लामाबाद वालों का भी हक बनता है, पिंडी वालों का हक बनता है कि वो बाहर निकलें अपने घरों से। कि जिस तरह ये लोग हम देख रहे हैं सड़क के किनारे बैठे हैं, किसी के पास कोई गर्म चादर नहीं है, कोई खाने की चीज नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो जब रियासत आपको ऐसे जो है आपको बेआसरा छोड़ दे, तो हमारे पास एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। बी चौक में एक मरतबा फिर चैलेंज शुरू हो चुकी है। नाजरीन ये मनाजर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से हो? पाकिस्तान से हो। वाओ, कितने क्यूट से हैं, और इनके साथ ये अंकल भी आए हैं। तो यार क्या करने आए हो डी चौक? अच्छा, यार रुक के बात करूंगा। अच्छा तो क्या यार डी चौक में देख, डाकुर बजाने के लिए एक नजम सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, ये हम भी है सब आरा, ये हम भी है सब आरा, ये हम भी है सब आरा, ए दुश्मन भी तो दे किसको मुगल करा, ए हम भी है सब आरा, ए हम भी है सब आरा, आधे के ये बाजू बाजू है कि तलवारे, सीने है जवानों के आज दीवारे, मिल जाती है कदमों से इस कर दस दस्तारे, हम तुझको दिखा देंगे सो पारे नजारा, ए दुश्मन भी तूने किसको मुकुल करा, ए हम भी है सब आरा, ए हम भी है सब आरा, किस राह से आएगा उस राह से मारेंगे, मुड़ कर भी न देखेगा यू नशा उतारेंगे, हम मौत की वादी से यू तुझको गुजारेंगे, इस कौम से लड़ने की हिम्मत न हो दोबारा, ए दुश्मन भी तूने किस कौम को ललकारा, ए हम भी है सफारा, ए हम भी है सफारा, जिस कौम का हर बच्चा अल्लाह के सिपाही है, इस कादर जर्रा तकदीर इलाही है, इस खत्ते का हर गोशा एक जिंद गवाही है, ईमान का है गहवारा तकदीर इलाही है, ए दुश्मन भी तूने किस कौम को ललकारा, ये हम भी है सफारा, ये हम भी है सफारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।
नारायण चौधरी की जवाब दें।